सो हेलो दोस्तों, आज का स्वागत है एक नवी वीडियो में जो है एक संडे मोटिवेशन करके। सो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो एसजी टेक्निकल। सो हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है एक मोटिवेशन करके मेरे चैनल पे। तो आज का हमारा एक टॉपिक है जो हम जिसके बारे में बात करने वाले, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा, रानू मंडल जी का। सो दोस्तों, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हो क्या रहा है पता है क्या? गूगल पे और यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह एक मीम वायरल हो रही है जो रानू मंडल जी के लेकर है, उनसे लेकर है, उनसे रिलेटेड है। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब जो मीम है, वो एक मीम भी बहुत टाइप के होते हैं। एक डार्क मीम होती है, एक इंसल्ट मीम होती है। तो रानू मंडल जी के जो मीम्स जिस तरीके से फ्लो हो रही है, वो बहुत ही बेकार है। मैं क्या कहूँ उस बारे में। वो एक लेडी है और उनकी मीम्स जो है, उनकी फ़ोटोज़ जो है, वो किसी पॉर्न स्टार से कंपेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं। मतलब बहुत ही बेकार हो रहा है। और क्योंकि वो जो वीडियोस वायरल हो रही है उनकी, तो उन्होंने कहा था आई एम अ स्टार, डोंट टच मी। तो यार उस बारे में मैं एक बात कहूँगा कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, एक छोटे बच्चे का। अगर आप कोई छोटा बच्चा है जिसके बहुत ज़िद करता है, आप उसको सरप्राइजली वो चीज़ ला के दे दो, तो बहुत पजेसी हो जाएगा वो चीज़ को लेके। मतलब किसी को हाथ नहीं लगाने देगा, बहुत पजेसी हो जाएगा, खुद तो अपनी चीज़ संभाल के रखेगा। तो सेम ऐसा ही उनके साथ हुआ है। उनके पास पहले खाने को भी कुछ नहीं था, मतलब स्टेशन पे वो रहते थे और एकदम से किसी ने उनसे आके कहा कि चलो हम आपको स्टार बनाते। आज वो ऐसी लाइफ जी रहे जो उनकी अनएक्सपेक्टेड थी। तो हम इतने पढ़े लिखे कि हमें पता है कि कब किसी को आंसर क्या देना है, कैसे हम मैच्योर है। तो उन्हें उस टाइम, उन्हें वो टाइम मिला ही नहीं मैच्योरिटी, उनको उनकी मैच्योरिटी उस लेवल पे लेके जाने के लिए उनको उनका टाइम मिला ही नहीं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट ये हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हम कितनी लेवल तक गिर चुके हैं कि हम किसी लेडी को भी किसी से भी कंपेयर करते हैं। या मतलब कंपेरिजन मीन्स हम कुछ भी करते हैं यार, मतलब गो विद द फ्लो हो रहा है, या मतलब ट्रेंड में चल रहा है तो हम भी कुछ भी बना देंगे, हम भी कुछ भी बोल देंगे उनके बारे में। तो यार ऐसा मत करो, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें समझदार है हम, कि हमें कब क्या बोलना है, क्या करना है। तो मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं उनका इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ यार, मतलब किसी को भी टाइम लगता है। वो एकदम ग्राउंड टू स्काई वाली बात है उनकी, तो उनको भी टाइम दो, उन्हें भी हो जाएगा। किसी के भी लिए इतनी भी डीपली तुम कुछ भी मीम्स मत बनाओ यार, प्लीज़ दोस्तों। मेरा यही बोलना था आज का, और यही हमारा पहली वीडियो है इस चैनल पे मोटिवेशन करके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।